गांव वालों को विश्वास दिलाया हुआ है वो झूठा होगा। रुक जाओ, केवल विश्वास नहीं है, सच्चाई है। जब तक ये सूर्य नारायण है तब तक इस पवित्र गांव में से एक कंकर भी तुम नहीं ले जा सकते। तू भले ही इस गांव का सूर्य होगा लेकिन हमारे लिए तू कुछ नहीं है। तू चाहे कुछ भी कर ले, हम ये हार ले जाके रहेंगे। सिंहासन की लालसा रखने वाला राजा नहीं हूँ मैं, यहाँ की जनता के दिलों का राजा हूँ। सूर्य नारायण सिंह साक्षात देवी पार्वती का रूप है। ये देवी चामुंडेश्वरी, देवी के गले में जो है स्वयं शिव का पार्वती के गले में डाला मंगलसूत्र है। इसके नजदीक भी जाने की योग्यता तुम में नहीं है। लोगों के मना करने पर भी तुम्हें मैंने इस गांव में रहने दिया, ये मेरी भूल है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए ये देवी है और इस गांव की रक्षा के लिए मैं हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। ये तो पापी है, इसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। तू पापी, कितना घोर अपराध किया है। क्षमा कर दो गुरुजी, पापी मन है, हमसे गलत काम हो गया। इस गलती की कोई क्षमा नहीं, चाहता तो रात को ही तुम्हारे सर धड़ से अलग करके वहीं देवी को बलि चढ़ा देता। लेकिन तुम्हारा खून इस पवित्र भूमि पर जरा सा भी गिर जाता तो ये पूरा गाँव अपवित्र हो जाता। सिर्फ इसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। पंचायत की हैसियत से मैं तुम्हारा दंड घोषित करता हूँ, शाश्वत गांव से तड़ीपार। अगर अब किसी भी कारणवश इस गांव में कदम रखा तो कदम तो क्या, तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। निकाल दो इन्हें। मालिक, मालकिन का प्रसव हो गया है। गुरुजी, ले 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 ले। शांति, तुमने ये लड़का वारिस के रूप में देकर इस गांव की भूमि और इस गांव की सेवा का सौभाग्य
हमारे लहू को दिया। मैं पुण्यवान हूँ। मैं पुण्यवती हूँ जो आपके वंश को आगे बढ़ा पाई। अरे सुनो, जल्दी जमींदार जी के घर जाओ, पेड़े बट रहे हैं। क्यों? उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अच्छा? हाँ ठीक है, तो अभी जाते हैं। हाँ, जल्दी आ जाना। गुरुजी, आप ही हमारे बेटे का नामकरण कीजिए। इसने दुर्गा माँ की चरण में जन्म लिया है, इसलिए इसका कृष्णा नाम रखो। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तुम्हारे लिए है, मालिक लिए है। ये तो बहुत अच्छा है कृष्णा। पिताजी ये घोड़ा देखा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने देखा नहीं था ना, इसीलिए बताया नहीं। पिताजी पिताजी पिताजी, इसका नाम क्या रखे? तुम ही बताओ। रामू, बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पर किसका नामकरण हो रहा है? माँ घोड़े का नाम। अच्छी बात है, इस उम्र में घोड़ा दिलाने की क्या जरूरत थी? वो क्योंकि मैं भी पिताजी की तरह घोड़े पर बैठकर दूर सवारी करूँगा। देख लिया, हमारा बेटा अभी से तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, पहले दूध पी लो। मैं पहले घोड़े की सवारी करूँगा फिर पीऊँगा। नहीं बेटे, तुम अभी घुड़सवारी नहीं कर सकते। मैं सिखाऊंगा बिटुआ कृष्णा को। आराम से आराम से, आ जा आ जा। चलो रामो, पांडे संभाल कर। आओ सुमति। आओ आओ। अरे अरे ये क्या? संभल के। और तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कैसे हो नागपाल जी? हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आओ अंदर आओ। अच्छा ये बताओ, पेट में लड़का क्या बोल रहा है? लड़का तुम्हारा बेटा है कृष्ण। मेरे पेट में तो लड़की है। तुम्हारे चेहरे की चमक से तो लगता है कि तुम्हें लड़का ही होगा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने चामुंडेश्वरी से मन्नत मांगी है कि मुझे लड़की ही मिलनी चाहिए और मैं उसका नाम रुक्मणी रखूंगी, उसे ही अपनी बहू बनाना। ठीक है सुमति, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, पहले अंदर चलना। चलो चलो रामो, जल्दी जल्दी चलो। ए रुक जा, तू नीचे उतर, मैं सवारी करूंगा। उतर। माँ, प्रताप गिर गया। मेरे रामो ने तुम्हें सवारी करने नहीं दी। चलो चाचा। कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा घोड़ा लेकर आऊंगा। नहीं, मुझे तो वही घोड़ा चाहिए, उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा होना चाहिए। नमस्ते गुरुजी। क्या बात है गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? ब्रह्मांतर के अनुसार जब तुम्हारे बेटे की कुंडली देखी तो उसमें दोष पाया। क्या दोष है? हाँ, ये बात मैं उसके नामकरण के दिन ही जान गया था, लेकिन अगर उस समय बता देता तो तुमने जो 3 साल की खुशी पाई वो छीन जाती, इसलिए नहीं बताया। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं ना? अगर उसकी जान को कोई खतरा होगा भी तो ये देवी तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगी। याने जो दोष है वही निवारण करेगी। इसी विजयदशमी के दिन हमें कृष्णा के नाम से एक विशेष पूजा करनी होगी। जैसा आप चाहें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। आजा रामो, जल्दी आ, जल्दी आ,
पांडे, तू यहाँ है, वहाँ पूजा में बहुत काम है, वहाँ जा। जी अच्छा। कृष्णा, घोड़े से खेल रहे हो? घोड़े से तो खेल रहा हूँ, नहीं तो क्या हाथी से खेल रहा हूँ? आपको दिखाई नहीं देता क्या? घोड़े के साथ खेल रहे हो वो तो ठीक है कृष्णा, लेकिन तुम सिर्फ बच्चे ही नहीं हो, तुम तो इस गांव के वारिस हो, भविष्य के मुखिया। जरा वहाँ देखो, गांव के सारे लोग वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तुम भविष्य के मुखिया हो, इसलिए इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? गांव की रक्षा करनी चाहिए। ये हुई ना मर्दों वाली बात, तो बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। कृष्णा, जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि तुम गांव की हिफाजत कर रहे थे तो वो कितने खुश होंगे जानते हो? अच्छा, उसके लिए मुझे पहाड़ पे जाना होगा। चल रामो, हम चले। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा को लेकर आओ। जी अच्छा। यजमान, कृष्णा कहाँ है? पूजा के लिए उसे बुला रहे हैं। कृष्णा खुद देवी देवताओं के पास जा रहा है। क्या कहा? कहाँ जाएगा, यही कहीं होगा। एक काम करो पांडे, तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है।